The Congress on Wednesday described the Aam Aadmi Party as a khap party and said the Arvind Kejriwal-led Delhi government has failed on all fronts in the last 3 days. Delhi Congress Chief Ajay Maken, addressing a press conference on the third anniversary of Delhi government, said, "Aap nahi khap hai, har morche par flop hai. So ye Aam Aadmi Party nahi, ye khas aadmi party hai. Khap hai jo ki har morche pe flop hui." Slamming Kejriwal for not bringing a strict Lokpal bill, Maken said, "Lekin dukh ki baat ye hai ki jis जन लोकपाल के मसौदे के सहारे 49 डेज की सरकार खत्म करके केजरीवाल साहब ने अपना बस्ता पटक करके गए थे और कहा था कि ये जन लोकपाल का मसौदा है, ये कांग्रेस और बीजेपी हमें अलाउ नहीं कर रही, इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री पद छोड़ करके सरकार को खत्म करना चाहते हैं। उस मसौदे से दूर दूर तक के कोई लेना देना नहीं जो कि लोकपाल का बिल इन्होंने पास विधानसभा में कराया और उसको अभी तक के अप्रूव तक नहीं करवा पाए। तो अगर ये इतने संजीदा और इतने ट्रुथफुल होते अपने कमिटमेंट के प्रति तो कम से कम लोकपाल वैसा जरूर लेकर के आते जो लोकपाल इन्होंने 2014 में जिस मसौदे को लेकर के लोगों के बीच में गए, जिस मसौदे को लेकर के, जिस लोकपाल के मसौदे को लेकर के जिन्होंने अपने आप को रिजाइन करा और कहा कि हमको कांग्रेस और बीजेपी ये लोकपाल नहीं लेकर के जाना चाहती, तो जब मेजोरिटी आ गई तो फिर वो लोकपाल का स्वरूप बदल गया। जब इनके 28 सीट्स थे तो उस वक्त विधानसभा में दूसरा लोकपाल का बिल लेकर के आए, जब 67 सीट्स आई तो दूसरा लोकपाल का बिल आए, तो फिर इनकी क्या ट्रूथफुलनेस अपनी कमिटमेंट के प्रति थी जो कि जिसकी वजह से इन्होंने अपनी पार्टी बना करके इतना बड़ा आंदोलन इन्होंने किया, दिल्ली की जनता इनसे ये जानना चाहती है। Maken, who was also accompanied by former Delhi Chief Minister Sheila Dixit, compared the work of the Congress government and the Aam Aadmi Party in the city. Talking about the health sector, the former union minister said, "Health ke andar ये कहते हैं कि हमने बेड्स बढ़ा दिए, हमारे समय के ऊपर 14 हॉस्पिटल्स कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित जी के मुख्यमंत्री काल के दौरान 14 नए हॉस्पिटल्स हम लोगों ने बनाए, 3,700 नए बेड्स इन नए हॉस्पिटल्स के अंदर ही हमने बनाया। ये इन्होंने एक नया हॉस्पिटल कहीं पर भी नया हॉस्पिटल नहीं खोला, बल्कि जो कमरे हमारे थे उसमें जहां पे 4 बेड था एक 5वां बेड लगा करके कहने कि हमने बेड बढ़ा दिया। आप हॉस्पिटल जब तक नहीं नया खोलेंगे, ओपीडीज जब तक हॉस्पिटल्स में नहीं आएंगे, वहां पे ऑपरेशन थिएटर जब तक वहां पे नए नहीं बनेंगे, जब तक वहां पर डॉर्मिटरीज नहीं बनेंगे, जब तक वहां पे जो लैब्स नहीं वहां पे बनेंगे, वहां पे डायग्नोस्टिक सेंटर जब तक नहीं होंगे, पूरा का पूरा सेटअप मिलाकर के एक हॉस्पिटल होता है। और आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉर्मिटरीज है उसमें एक बिस्तरा लगा करके कह रहे हैं हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, 14 नए हॉस्पिटल्स का मतलब हमने हर साल एट एन एवरेज एक नया हॉस्पिटल खुला है, और पिछले 3 वर्ष के अंदर जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स भी हैं उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने पहले से खत्म कर दिया है। कंपेयरिंग द वर्क ऑफ द टू गवर्नमेंट्स इन द एजुकेशन सेक्टर, ही सेड, हम लोगों ने हर साल लगभग एक से ज्यादा कॉलेज हमने बनाया, 6 यूनिवर्सिटीज का मतलब हमने हर 2 साल के अंदर एक नई यूनिवर्सिटी हम लोगों ने खोली, डीम्ड यूनिवर्सिटी मान ले तो हर एक साल के अंदर एक यूनिवर्सिटी या एक डीम्ड यूनिवर्सिटी हम लोगों के कांग्रेस के समय में खुली। तो इन्होंने एक नया स्कूल नहीं, एक नया कॉलेज नहीं, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं, एक नया फ्लाईओवर नहीं, सिर्फ कमरे बना करके कहते हैं कि हमने काम कर दिया। तो कमरे बनाए तो स्टूडेंट्स क्यों आपके आपके स्कूल से छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं? अगर एजुकेशन बेटर है तो फिर 98,000 स्टूडेंट्स आपके यहाँ से छोड़ करके क्यों चले गए? द कांग्रेस लीडर ऑल्सो स्लैम्ड केजरीवाल ओवर द कंडीशन ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एंड सेड, केजरीवाल जी के पिछले 3 वर्ष में कितनी बस डीटीसी के बेड़े में आई है? एक। हिटिंग आउट एट द आम आदमी गवर्नमेंट ओवर द दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट्स डीले, Maken सेड, पहली बार दिल्ली के अंदर मेट्रो का काम अपने समय से 2 साल लेट चल रहा है। मेट्रो के अंदर हम लोगों के समय में 193 किलोमीटर मेट्रो, 141 स्टेशन, 7 इंटरचेंज स्टेशन रिकॉर्ड टाइम में हमारे बनाए गई, कभी भी एक दिन भी लेट हमारे समय में नहीं हुआ। 216 ट्रेन सेट के जो 4, 6 और 8 के सेट्स में हमारे 1,282 कोचेज हम लोगों ने दिल्ली को दिया, और दिल्ली की मेट्रो आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि एशिया के अंदर सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा बढ़िया मेट्रो मानी जाती है।